हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गार्डन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्लांट के बारे में जिसका नाम है पैंडेनस, जो कि दिखने में काफ़ी सिमिलर होता है स्पाइडर प्लांट की तरह। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार नर्सरीज में जाते हैं, वो उनसे स्पाइडर प्लांट की रिक्वायरमेंट उन्हें स्पाइडर प्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है, बट सामने वाला उन्हें पैंडेनस पकड़ा देता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, स्पाइडर प्लांट डिफरेंट है टोटली एज कम्पेयर टू पैंडेनस। पैंडेनस को जो लीव्स होती हैं वो हार्ड होती हैं एज कम्पेयर टू स्पाइडर प्लांट। अगर आप स्पाइडर प्लांट की लीव्स को टच करेंगे तो वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, बट पैंडेनस की लीव्स हार्ड होती है। और अगर बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो इसकी जो बेबी प्लांट्स हैं उसके रूट्स से ही निकलते हैं, और जो आपका स्पाइडर प्लांट है उसमें सिंगल स्टेम निकल स्टेम की तरह होती है, वो बाहर निकल के आती है और उसमें से उसके फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग के बाद फिर उसमें बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं उसके छोटे छोटे, और जो नीचे लटकते रहते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा स्पाइडर प्लांट और पैंडेनस में। अब अगर बात करते हैं इस प्लांट की डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप इसे चाहें तो एक गमले में लगा सकते हैं, लगभग 9 इंच के गमले में, तो इसकी ग्रोथ आपको थोड़ी बेटर देखने मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे एक छोटे से हैंगिंग बास्केट में लगा के रखा है और मैंने इसे अपने रेलिंग पे लगा के रखा था, तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, बट ये काफ़ी अच्छा दिखता है। सामने से जो फ्रंट लुक मिलता है इसे बहुत ही अच्छा मिलता है। और अगर आप बात करते हैं इसके सनलाइट के रिक्वायरमेंट की, तो गर्मी के दिनों में इसे आप थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखिए, जहाँ इसे सुबह की धूप मिले, बाकी दिन की धूप ना मिले। बाकी ठंड और बरसात में आप इसे फुल सनलाइट में दिन की पूरी धूप ये झेल जाता है, इसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब अगर बात करते हैं आप इसके सॉइल की, तो मिट्टी से वेल ड्रेन चाहिए होती है। इसकी जो पॉटिंग मिक्सचर आप बनाएंगे वो वेल ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे जड़ों में पानी इकट्ठा होगा तो इसकी जो जड़ें हैं वो गलने लग जाएंगी, और इसकी जो रूट्स हैं इसकी जो लीव्स की जो टिप्स हैं, पत्तियों की जो टिप है, वो थोड़ी पीली पड़ने लगती है। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि कुछ प्रॉब्लम है प्लांट्स के साथ, तो मिट्टी इसकी आपको वेल ड्रेन देनी पड़ेगी। बाकी और एज सच इस प्लांट को ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट कुछ होती नहीं है। अगर आप बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ये प्लांट आपको लगभग 50 से लेके 200 रुपए तक भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में बाय कर रहे हैं और प्लांट कितना बड़ा ले रहे हैं आप। जैसे कि मैंने जब इसे प्लांट को लिया था तो एक छोटा सा प्लांट था, तो मुझे ये ओनली 30 रुपीज़ में मिला था, बट अभी भी मेरे लोकल नर्सरी में मैं जाता हूँ तो ये मुझे 200 के अराउंड मिलता है। अगर आप प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी रूट्स से ये छोटे छोटे कई सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पास भी लगभग 2 निकले हुए हैं, और फिर इसकी दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर भी इसकी छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इन प्लांट्स को हल्का सा ईजिली आपको निकालना है और मिट्टी में लगा के कुछ दिनों के लिए इसे शेड एरिया में रखना है, जिससे जहाँ ये धूप से बचा रहे, और ये ईजिली ग्रो कर जाएगा, बहुत ही आसानी से इसका प्रोपगेशन हो जाता है। अब अगर बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो इसे फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैंने इस प्लांट को 1 साल से अपने घर में रखा है, बट मैंने 1 या 2 बार ही इसे कुछ फर्टिलाइज़र दिया होगा, नहीं तो मेरे हिसाब से तो मैंने कभी फर्टिलाइज़र दिया ही नहीं इसे, और ये अपने आप ही ग्रो किया जा रहा है, इसे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, जो इसकी लीव्स ही इतनी अच्छी दिखती हैं, इसके लिए ही लोग इसे रखते हैं, बट हाँ इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लांट की डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।